और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर स्टेट हाईवे 5 पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है, जब तक सड़क चौड़ीकरण का काम नहीं होता तब तक चक्का जाम नहीं हटाएंगे। बता दें कि इस चक्का जाम में राजनांदगांव से जगदलपुर वैलाडीला जाने वाले राहगीर भारी ट्रांसफर ट्रक में फंसे रहे और साथ ही जिसकी वजह से सड़क के किनारे ट्रकों की कतार लगी रही। आप लोग सबसे ज्यादा बैठो उधर रोड पे बैठो, जाओ रोड पे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव से कोंडागांव जाने वाले स्टेट हाईवे 05 पर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर, जहां पर कांकेर जिले के अंतिम छोर, जहां भैंसगांव के आसपास के सैकड़ों ग्रामीण जिन्होंने चक्का जाम कर अपनी मांगों को लेकर यहां पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ पर चक्का जाम किया है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। जी बताएंगे किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर चक्का जाम। तो देखिए, अंतागढ़ से लेकर नारायणपुर मार्ग में चौड़ीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी जगह चौड़ीकरण हुआ इसलिए हम लोग इस धरना स्थल में बैठे हैं, और जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। वो छोटे अधिकारी लोग आते हैं और उन लोग बोलते हैं कि हम प्रस्ताव भेजे, ये किए वो किए बोलते हैं, लेकिन इस तरह से होता नहीं है। हम आवेदन कई बार दे चुके हैं, नहीं होने के कारण हम अभी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे बीच में बड़े अधिकारी नहीं आएगा। कि ग्रामीणों ने कहा कि कई बार निवेदन आवेदन करने के बाद भी उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ महिला ग्रामीण है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बताएंगे। हमारे बीच अगर कोई बड़े अधिकारी या मंत्री लेवल से कोई नहीं आते तब तक ये चक्का जाम रहेगा, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो और उग्र आंदोलन करेंगे, हो सकता है तो हम लोग रायपुर तक भी जाएंगे हमारी मांग को। जैसा कि आपने देखा, यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी बातों को अनसुनी किया जाता है तो यहाँ से रायपुर तक पैदल यात्रा करके अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन को एक बार फिर से ध्यान आकर्षण करेंगे। इस वक्त कैमरा पर्सन के साथ नितेश देवांगन, साधना न्यूज, कांकेर।